हमीरपुर के टाउन हॉल में पुलिस विभाग के सहयोग से लोगों को जागरूक करने के लिए बैंक और ऑनलाइन धोखाधड़ी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर एसपी हमीरपुर अजित सेन, डीएसपी हितेश लखनपाल मौजूद रहे। इस अवसर पर सेबी के पदाधिकारियों ने उपस्थित पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय लोगों को धोखाधड़ी से बचने और ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाए सारी जानकारी दी। हमीरपुर के टाउन हॉल में पुलिस विभाग के सहयोग से लोगों को जागरूक करने के लिए बैंक और ऑनलाइन धोखाधड़ी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह, डीएसपी हितेश लखनपाल मौजूद रहे। इस अवसर पर सेवी के पदाधिकारियों ने उपस्थिति पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय लोगों को धोखाधड़ी से बचने और ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाए सारी जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसपी अरिजीत सिंह ने बताया कि आजकल ऑनलाइन ठगी के मामलों में इजाफा हो रहा है और लोग काफी संख्या में ऑनलाइन ठगी का शिकार बन रहे हैं, जिसके चलते ही पुलिस विभाग ने जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता अभियान के तहत पहले 10 लोगों को वॉलंटियर के लिए तैयार किया जाएगा, जो कि आगे चलकर 10 और लोगों को जागरूक कर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल जागरूकता का एक अभियान यहाँ से शुरू किया है। इस तरह की वर्कशॉप के लिए मैं एनएसडीएल और सेबी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। ये हमारा एक आइडिया था जिसको मैंने अरुण जी से डिस्कस किया और उसके बाद हमने ये इनिशिएट किया है कार्यक्रम। इस आज के इस शिविर में जितना आप लोगों को समझ आया, जितना लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, उसका यूज़ आप अपनी जागरूकता करने में भी, जैसे आपके पंचायत का एक सेशन होगा कभी, तो वहाँ पर जाके भी आप लोगों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें जागरूकता के लिए यही एक तरीका है। हम आपको बताएंगे, आप आगे बताएंगे, धीरे धीरे लोगों के बीच में बात फैलेगी। इस धोखे से बचना ही एक सबसे बड़ा अच्छा इलाज है, क्योंकि एक बार जब चोरी हो गई या एक बार जब ये बैंकिंग फ्रॉड हो गया, इसकी कोई बाउंड्री तो होती नहीं। आदमी आपको बॉम्बे से, दिल्ली से, झारखंड से, उत्तराखंड से, कहीं से भी चीट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे देखा गया है, प्रोफाइल इस तरह की है कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं लोगों के साथ। उनकी मेहनत का पैसा, रिटायरमेंट के बाद घर आए या अभी बच्चों की फीस और बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पैसा बचाया था वो गंवा दिया है, और उनको ऐसे लोग जो है पूरे इंडिया में हर जगह फैले हुए हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई वो नहीं, विदेशों से लोग फ्रॉड करते हैं इस तरह के। तो आप लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपना पैसा भी बचाएंगे और ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, और अपने साथ के लोगों को भी ये जागरूक करेंगे कि भी ये इस तरह के फ्रॉड अगर आपके साथ होते हैं तो वो क्या करें क्या ना करें। कि हम कुछ लोगों को ऐसा एक स्पेशल ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो इस तरह से इसमें थोड़ा एक्सपर्ट बने, ताकि हम 10 लोग तैयार करें, वो 10 लोग और 10 लोगों को तैयार करें, और इस तरह से ये फैलते फैलते सब लोगों में जागरूकता जब होगी तो हमारे जितने भी ये साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसमें कमी आए। मीनवाइल बैंकों की सहायता से और पुलिस की, तो हमारा तो दायित्व है ही, हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो शिविर है ये आप लोगों के काम आए और फ्यूचर में भी हम इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते जाएं।